फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर अपना, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका टॉपिक है हमारे पास विंडोज डिफेंडर, क्योंकि अब ये SLO बेस है। तो मैं आपको कंप्यूटर में विंडोज डिफेंडर रन करके भी दिखाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विंडोज डिफेंडर के बारे में। तो विंडोज 10 कम्स विद विंडोज डिफेंडर, विच इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो विंडोज 10 है, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एडिशनल फैसिलिटी होती है हमारे पास विंडोज डिफेंडर, जो हमारे पास एंटी मेलवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नाउ कंप्यूटर यूजर्स डू नॉट हैव टू बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब यूजर्स को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलग से बाय करना या इंस्टॉल करना उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि अब ये इसके साथ ही अटैच हुआ हुआ होता है। ठीक है, व्हेन विंडोज 10 इज इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, विंडोज डिफेंडर इज आल्सो इंस्टॉल्ड एज बिल्ट इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये वही बात होगी, जब विंडोज 10 हम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज डिफेंडर साथ इंस्टॉल हो जाता है, और ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है और चेक करता है वायरसेस के लिए। जब भी कोई वायरस डिटेक्ट करता है तो नीचे नोटिफिकेशन दे देता है कि हाँ, हमने आपके सिस्टम में एक वायरस डिटेक्ट किया है। इफ एनी टाइप ऑफ मैलवेयर इज डिटेक्टेड, इट विल डिस्प्ले अ वार्निंग टेक्स्ट। ठीक है, अब हम अपना चेक करते हैं विंडोज डिफेंडर, वो हमें मिलेगा कंट्रोल पैनल में। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं कंट्रोल पैनल के लिए। ये है कंट्रोल पैनल। ठीक है, उसके बाद हैंग हो रहा है। ये रहा हमारे पास विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है ये, और ये आपका बता रहा है कि प्राइवेट नेटवर्क है और ये जो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारे पास विंडोज डिफेंडर। अब उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा विंडोज डिफेंडर क्या होता है। तो यही था हमारा लेक्चर। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल। अल्लाह हाफिज़।